बहुत है। सबसे अच्छा। पहले तो गाड़ी की किस्त वगैरह जो कि पेनल्टी लग रही है, मेरी गाड़ी की 3 किस्त टूट चुकी है ऑलरेडी। अच्छा, और किसने की कगार पे है फिलहाल गाड़ी वाले, एजेंसी वाले कह रहे उठा ले जाएंगे। हाँ उठा ले जाएंगे, जब पैसा ही नहीं है, कमाई कुछ नहीं है यहाँ पे, तो गाड़ी तो खींचेगी। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज मैं एक उबर और ओला चला रहे हैं भैया, उनके साथ में हूँ टैक्सी में। और क्या कुछ नए रूल हैं लॉकडाउन के बाद, और क्या कितनी कमाई कर रही हैं, बाकी सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नितेश नाम है। तो कैसा काम वाम कैसे चल रहा है अभी? काम बहुत है ही नहीं जी, काम जो है सुबह से अब तक जो 300 रुपये का काम किया है। अच्छा, शाम के 5 बज गए, सिर्फ 300 रुपये का काम? 300 रुपये का काम है। और यहाँ की इसमें CNG भी फुकी सारी, एक टंकी जो है। अच्छा। खाना भी है अपना। अच्छा, कुछ बचत नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है जी। मतलब पहले इस समय में कितना कमा लेते थे? इस समय अब तक जो है 1500-1600 का काम होता था, कभी 2000 भी हो जाता था। सुबह कितने बजे से चला रहे हो आप? सुबह 6 बजे से चला रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताइए नितेश जी, जैसे कि सबसे ज़्यादा परेशानी इस टाइम पे क्या आ रही है, बुकिंग को लेकर या कुछ और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं सर, परेशानी तो बहुत है। सबसे अच्छा। पहले तो गाड़ी की किस्त वगैरह जो कि पेनल्टी लग रही है, मेरी गाड़ी की 3 किस्त टूट चुकी है ऑलरेडी। अच्छा, और किसने की कगार पे है फिलहाल? गाड़ी वाले, एजेंसी वाले कह रहे हैं उठा ले जाएंगे। हाँ उठा ले जाएंगे, जब पैसा ही नहीं है, कमाई कुछ नहीं है यहाँ पे, तो गाड़ी तो खींचेगी। प्लस अपने परिवार का पालन पोषण जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे सरकार ने मतलब बताया था कि 6 महीने तक कोई EMI देने की जरूरत नहीं है, पेनल्टी लगेगा नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब सिर्फ बोला गया है कुछ? बोला गया है, अभी किया कुछ नहीं है। वो हमें पे करनी पड़ेगी जो पेनल्टी लगी हुई है। अच्छा। हाँ, और नहीं हमें आज तक कभी उबर ने हमें कोई हेल्प की, पूरे लॉकडाउन निकल गया, मैंने हेल्प भी मांगी थी, पर उन लोगों ने बोला कि कंपनी से बात करते हैं। अच्छा। उसके बाद आपसे संपर्क करेंगे, वो आज तक कोई हेल्प नहीं हो पाई है मेरी। अच्छा, तो कंपनी भी कोई हेल्प नहीं कर रही, नहीं ओला नहीं उबर, मेरे दोनों में ही अटैच है गाड़ी, दोनों में ही चला रहा हूँ सर। तो दोस्तों, गाड़ी में आप देख रहे हैं नितेश जी क्या परेशानी बता रहे हैं इस टाइम पे। पहली बात कि आप 2 सवारी ही बैठ सकती है टैक्सी में, है ना नितेश जी? गाड़ी में 2 सवारी, सिर्फ 2 सवारी बैठ सकती है, और मास्क बिल्कुल, मास्क के बिना अलाउ नहीं है। जैसे बुक करेंगे, अब मैंने जो टैक्सी बुक करी थी नोएडा 73 से न्यू दिल्ली के लिए, पहले इसी का जो चार्ज लगता था वो, अभी मेरे में तो खैर ऑफर था इस वजह से, और इनके पास, इनको मैंने पे किया 210 रुपये ओनली। तो ऊपर से क्योंकि 2 सवारी है, तो उसके हिसाब से कंपनी पैसे ले रही है कस्टमर से, उसके हिसाब से इनको दे रही है। और इनका मतलब सुबह 6 बजे से लॉगिन है भैया, और सिर्फ 400 रुपये का काम किया है। अब 5 बज रहा है, आप समझ सकते हो 11 घंटे में सिर्फ 400-500 रुपये का काम, जिसमें कि CNG भी है। तो मतलब बहुत बुरा हाल है। और बता रहे हैं नितेश जी जैसे कि इनकी गाड़ी खींचने के ऊपर है, मतलब बोला जा रहा था कि आप 6 महीने तक कोई भी मत दो, कुछ भी पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पेनल्टी वगैरह लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो नितेश जी से मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा। नितेश जी, आप ये बताएंगे कि जो अगर कोई इस समय जुड़ना चाह रहा है गाड़ी वगैरह से, क्योंकि देखिए हर किसी की नौकरी जो है वो, कुछ लोग, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है और कुछ लोगों की जाने के ऊपर है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यही बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं एंड इस पर काम करते हैं, तो अपना बिजनेस हो जाएगा करेंगे, तो उस पर आप क्या बोलोगे? सर, इस कंपनी में जुड़ने ना जुड़े तो बेटर है, क्योंकि कोई कमाई नहीं है फिलहाल। इससे बेटर तो ये कि अपना कहीं खेती की कारी वगैरह हो तो उसमें कर लिया जाए तो बड़ा अच्छा है। अच्छा, क्योंकि ये कंपनी फिलहाल कोई कमाई का साधन नहीं है, क्योंकि अब इसमें 200-400 रुपये हम रोज कमा रहे हैं, जहाँ की अपना खर्चा भी है और गाड़ी का खर्चा भी, मेंटेनेंस भी है इसका, तो इसमें कोई भी हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। इससे तो बेटर कि अपने घर बैठ जाए, मतलब बिल्कुल इस समय इस बिजनेस में आना बहुत बेवकूफ़ी है। फिलहाल कुछ नहीं है, लॉकडाउन के बाद भी ये पोजीशन हो चुकी है कि अब जो पैसा था वो ख़त्म हो चुका, अब कमाने के पर्पज़ से आए तो यहाँ भी कुछ भी नहीं मिल रहा, तो अपना परिवार का कैसे चलाएगा? तो ये हाल है। कंपनी ने कुछ, ओला ने भी, ऊबर और जो बाइक टैक्सी रैपिडो है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोनेशन
लिया है इन टैक्सी वालों के नाम पे, लेकिन टैक्सी वालों को कुछ भी नहीं मिला है। इस बात का जीता जागता प्रूफ है, हमारे नितेश जी हम जो ड्राइवर हैं ये बताएंगे कि क्या कुछ मिला है इनको। नितेश जी बताओ, क्या आपको कुछ मिला है इसमें लॉकडाउन में, हेल्प करी है कंपनी ने? नहीं सर, मुझे कोई हेल्प नहीं हुई है, मुझे नहीं किसी भी भाई को कोई हेल्प नहीं हुई है इसमें लॉकडाउन में। अच्छा, और यहाँ तक कि जो प्राइवेट बाइक हैं उनको कंपनी ने अटैच किया है। जो लोग प्राइवेट बाइक ले रहे हैं, तो आज की डेट में यदि प्राइवेट किसी के पास कार है तो या वो भी तो कर सकता है। जो हम टैक्स दे रहे हैं, कॉमर्शियल गाड़ी लगा के चला रहे हैं यहाँ पे पैसे लगा के, तो उससे क्या बेनिफिट है? तो मैं तो यही सरकार से को करूँगा गुजारिश कि इस चीज को प्राइवेट गाड़ी रोकें, और क्या नाम है, और हमें ड्राइवर लोगों को जितने भी भाई जुड़े हुए हैं हमारी ट्रैवल लाइन में, उन्हें सब एक हेल्प दी जाए। कंपनी से गुजारिश है कि इसको हमारी बात को आगे से जितनी भी आगे से आगे बढ़ाई जाए उतना बढ़ाया जाए। आज लोग हम इतना परेशान है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान है, कह नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते, बहुत दुखी हैं सर। तो दोस्तों देखें आप लोग, क्योंकि टैक्सी वालों का बहुत ज़्यादा काम जो है, देखिए इंसान हैं वो भी हैं जो बाइक चला रहे हैं, और कुछ हद तक मतलब मुझे ऐसा लगता है 30-40% काम जो बाइक टैक्सी वाले हैं वो ले चुके हैं इन लोगों का, जिसके वजह से इनके पास बुकिंग्स कम आ रही है। एंड ड्यू टू COVID-19 वैसे बाइक वालों के पास बुकिंग नहीं आ रही है, बट दोनों बातें अलग हैं, दोनों बिजनेस अपनी जगह, लाइन एक है लेकिन काम पर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ा है। और सरकार को थोड़ी इनमें मदद करनी चाहिए कि आप बोल रहे हो कि इनके जो EMI है उस पर छूट मिलेगी और बाकी कुछ है, लेकिन उस पर कोई भी छूट नहीं मिल रही है। अब जैसे भैया बता रहे कि 2 महीने की इनकी EMI रह गई थी, जिसमें से इनके किसी दोस्त ने पे किया है 1 महीने का, तब जाके इनके पास मैसेज आया कि इनके दोस्त ने पे किया है। तो मतलब जिसके पास EMI में गाड़ी थी उनके लिए बहुत बड़ा मुसीबत है। मतलब आपको EMI देना ही देना है, चाहे आप 400 कमाओ चाहे 500 कमाओ, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, उससे सरकार को किस लेना देना नहीं है। कंपनी से, रिकवरी वालों से कॉल आ जाता है इनके पास 15 दिन बाद कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो उठा ली जाएगी अगर आप पे नहीं करोगे EMI। बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर जी, बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में इसी इन्फॉर्मेशन और किसी नए जानकारी के साथ। और इसमें मैं नितेश जी को थैंक यू सो मच कहूँगा सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उसके लिए। और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो अब तक। बाकी यार इन लोगों के लिए क्या कुछ सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग भी, और जो इस लाइन में आना चाहते हैं इस टाइम पे, तो बाकी आपको आंसर मिल ही गया, इन्होंने बताया कि क्या हाल है। तो बिल्कुल ऐसा कभी मत सोचो कि इस लाइन में बहुत कमा रहे हैं लोग, बोलते हैं कि 2,000-3,000-4,000 कमा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, बहुत बुरा हाल है, क्योंकि मैं इनका डिवाइस देख चुका हूँ क्या हाल है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, इसको यहीं खत्म करते हैं। एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर